एवरीवन, मैं सुषमा फ्लेवर बाय सुषमा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई इजी एंड डिलीशियस रेसिपी। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा आप सबका अपनी किचन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज बहुत ही पॉपुलर रेसिपी बनाएंगे जो लगभग हर रेस्टोरेंट में और ढाबे में मिल जाती है, पनीर वेजिटेबल जाल फ्रेजी। वैसे तो ये बहुत तरीके से बनाई जाती है, आज मैं बनाऊंगी अपने तरीके से। आप भी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, जिससे मेरे वीडियो आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए मैंने डिफरेंट टाइप की सब्जियां काट ली हैं, सब अपने लंबे टुकड़ों में काटी हैं। ये गोभी है, शिमला मिर्च है, ये गाजर है और ये फ्रेंच बीन है। और ये पनीर के भी टुकड़े मैंने लंबाई में काट लिए हैं। और डिफरेंट टाइप के मसाले हैं जो मैं रेसिपी में यूज़ करूँगी। अब हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करेंगे। देखिए, इसके लिए मैंने एक पैन चढ़ा दिया है और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। एक बड़ी चम्मच ऑयल डाल रहे हैं और इसी में डालेंगे हमें एक बड़ी चम्मच मक्खन। देखिए, हमारा ये मक्खन और तेल मिक्स जो है वो तैयार हो गया है, गर्म हो गया। अब इसमें हम डालेंगे एक छोटी चम्मच कलौंजी। अपने पनीर को हम फ्राई करेंगे हल्का हल्का। तो इसमें देखिए पनीर से हल्का कलर आ गया है और हम इसको निकाल लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे नहीं तो एकदम च्यूई हो जाएगा। तो हमने पनीर निकाल लिया है, इसी में मैं बाकी सारी सब्जियां भी हल्की सॉटे करूंगी। जो देर से पकती है उनको पहले डालेंगे, जैसे ये गाजर है इसको पकने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और ये फ्रेंच बीन है इसको भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दोनों को पहले थोड़ा सा पकाएंगे अलग। देखिए, मेरी गाजर और ये फ्रेंच बीन सॉटे हो गई, एक मिनट तक जब किया है इनको सॉटे। और इसमें गोभी भी डाल देंगे, इसको भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए, हमारी सब्जियाँ हल्की गल गई हैं। अब इसी में हम ये शिमला मिर्च भी डाल देंगे। आपके पास अगर पीली और लाल शिमला मिर्च हो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इसको हल्का सा सॉटे करेंगे तेज आंच करके। तो हमारी सब्जियाँ सॉटे हो गई हैं, इसमें बचे हैं सब्जियों भर का आधा छोटी चम्मच नमक मिलाएंगे, जिससे ये अपनी हीट में इतनी देर में पक जाएंगी जितनी देर में मैं दूसरे पैन में मसाला इसका तैयार कर लूँगी। तो मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। तो हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच लहसुन जो मैंने बहुत छोटा छोटा काट लिया है, 1 छोटी चम्मच कटा हुआ अदरक है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा प्याज जिसको मैंने बहुत छोटा छोटा काट लिया है। ये देखिए, मेरा प्याज भी हल्का ब्राउन होने लगा है। अब हम डालेंगे 1 बड़ा टमाटर जिसको मैंने खूब अच्छे से चॉप किया है महीन, इसको भी पकाना है। यहाँ पर हम ऐड करेंगे मसाले। सब्जियों में अपना नमक पड़ा है इसलिए इस मसाले के हिसाब से हम आधा छोटी चम्मच नमक डाल रहे हैं। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला है और 1/2 छोटी चम्मच ही सूखा धनिया पिसा हुआ है। इन सबको अच्छे से भूनेंगे और डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी। हल्दी जिसमें बहुत बढ़िया कलर आता है। यहाँ पे मसाला थोड़ा सूखा लग रहा है तो इसमें थोड़ा 1/4 कप पानी में डाल करके ऐसे धीरे से ढाँक करके उसको पकाऊंगी, जिससे ये खूब अच्छे से टमाटर पक जाए, उसका कच्चापन तो महक ना आए। देखिए, मेरा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है, टमाटर खूब अच्छे से मैश हो गए हैं और ये भून भी गए हैं। अब हम यहाँ पर डालेंगे 3 टेबल स्पून मैंने लिया है टोमेटो सॉस। ये बहुत मिर्च वाला मैंने नहीं लिया है, जिससे कि बहुत ज़्यादा तीखे ना हो जाएं। इसकी हल्की मिठास जो है उसके तीखेपन को भी कम करेगी, उसका टेस्ट भी बढ़िया करेगी। अब हम इस मसाले में मैंने क्यूब में काटे थे प्याज, ये डालेंगे। इससे जो हल्का कच्चापन जो होता है प्याज और ये मिर्च का और ये टमाटर का, ये जब बाइट आती है खाते वक्त बहुत ही अच्छी लगती है। ये मेरा मिश्रण तैयार हो गया है और जो मैंने सॉटे करके सब्जियाँ रखी थी अलग, उन सबको अब इसमें मिक्स करेंगे।
ये कितनी बढ़िया कलर आ रहा है सब्जी का। ये बहुत ही इतनी टेस्टी लगती है, उतनी ये सेहत के लिए भी अच्छी है, क्योंकि इसमें आपको डिफरेंट टाइप की सब्जियाँ मिलती है खाने को, जिनके अपने हेल्थ बेनिफिट अलग अलग हैं। बहुत ही बढ़िया सब्जी है, इसको आप किसी चीज़ के भी साथ खाएं, बहुत ही इंजॉय करेंगे। इसको हम केवल एक मिनट के लिए ऐसे ही ढक्कन से ढाँक देंगे। ये देखिए सब्जी मेरी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर मिलाएंगे एक छोटी चम्मच विनेगर है, इसकी खुशबू भी अच्छी आती है, टेस्ट भी बढ़ता है इसको डालने से, इसलिए बहुत ही ज़रूरी है डालना। और ये जो पनीर मैंने पहले से तैयार करके रखे थे वो भी इसमें मिक्स कर देंगे। तो अब डालेंगे इसमें हम 3-4 चम्मच छोटी मलाई की है, ये फ्रेश मलाई, आप चाहें तो बाजार की क्रीम भी डाल सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें। अब बस इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। ये लीजिए मेरी तैयार हो गई लाजवाब वेजिटेबल जलफ्रेजी पनीर के साथ। अब आप अपना मनपसंद पराठा, रोटी, नान किसी के साथ भी खाइए और इंजॉय करिए।